हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू शारानी इंडो ग्रीक कुकिंग। आज हम बनाएंगे बटर पास्ता। जी हाँ, टेस्टी फटाफट इजी बटर पास्ता बनाएंगे। आइए, इसके लिए हमने लिया है 100 ग्राम पास्ता, 100 ग्राम दूध, टेस्ट अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून पेपर काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून बीसा लहसुन, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। ये तिक्का नहीं है, सिर्फ कलर के लिए डालेंगे हम। अपनी मर्जी है, डालना तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डालना है, लेकिन ये तिक्का नहीं है, स्वीट लाल मिर्च है। और 1 टेबलस्पून बटर, 1 टेबलस्पून मैदा। सो आइए बनाएंगे टेस्टी बटर पास्ता। सबसे पहले उबला हुआ पानी में, ये देखिए पानी उबलने के लिए रखा है। अभी इसमें पास्ता डालेंगे, 6 मिनट कुक करेंगे। अभी इसी में ही स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, डालकर एक बार मिक्स कर लेंगे। इसको 6 मिनट कुक करेंगे। अभी 6 मिनट हो चुका है, हमारा पास्ता कुक होकर रेडी हो गया है। ये देखिए प्लेट में निकाला है, ये देखिए कैसा कट हो रहा है, एकदम परफेक्ट कुक हुआ है। सो अभी फिल्टर कर लेंगे। अभी हमारा पास्ता रेडी है, फिल्टर कर लिया है। एक कढ़ाई रखेंगे, गैस में गर्म होने देंगे, उसमें बटर डाल देंगे। अभी कढ़ाई गर्म है, बटर डाल देंगे, बटर मेल्ट होने देंगे। अभी बटर में जो लहसुन रखा है ना, 1 टीस्पून ये डाल दिया। अभी इसको ब्रेड पर घुमाएंगे। अभी इसी में ही जो मैदा रखा है ना, मैदा डाल दिया। अभी इसको बटर मैदा एक साथ मिलकर लाइट सा फ्राई होना है। इसको 1 मिनट लाइट सा फ्राई करेंगे। अभी मैदा रेडी हो गया है बटर के साथ, इसमें दूध डाल देंगे। तो डालकर इसको मिक्स करेंगे ऐसे तरीके से, ऐसे बॉल्स नहीं रहना है, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अगर आपको लग रहा है हमारा मिक्सर थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, 1-2 टेबलस्पून ऐसे थोड़ा पानी डाल सकते हैं, लेकिन 100 ग्राम दूध का, मिल्क का 1 टेबलस्पून मैदा बराबर है। सो अभी इसको 1 मिनट स्लो फायर में कुक करेंगे। अभी रेडी है, इसमें जो मकरोनी रखा, पास्ता रखा है ना, डाल दिया इसमें, डालकर मिक्स करेंगे इसी तरीके से। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही टेस्ट अच्छा लगेगा, दूध बटर मिला है ना, एकदम डिफरेंट टेस्ट, बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी इसमें जो काली मिर्च रखा है डाल दिया। अभी इसी में ही मैंने थोड़ा कलर के लिए, जैसे शिमला लाल मिर्च, हरी मिर्च डाल रही हूँ कलर के लिए, थोड़ा से धनिया, फ्रेश धनिया इसके ऊपर डाल दिया। अभी इसको मिक्स करेंगे, एकदम कलरफुल, बहुत ही अच्छा लगेगा। सो रेडी हो गया है हमारा परफेक्ट टेस्टी बटर पास्ता। इसके ऊपर थोड़ा से जो स्वीट लाल मिर्च रखा है ना कलर के लिए, ये भी डाल दिया। सो अभी इसको एक प्लेट में निकालेंगे। सो रेडी हो गया है हमारा टेस्टी यमी बटर पास्ता। आप भी बनाकर देखिए, बच्चे बहुत पसंद करेंगे। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय।